बाजवान खा के फिर आइसक्रीम को टेस्ट करना कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर। लुख की निवान सही तो बस खेवान वाजवान आखिर शाम को पुलिस की कॉल आई, इसने आपको एफआईआर काटा है। वंदस मदद से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो करते हैं आज का फ्रेश एंड न्यू ब्लॉग स्टार्ट, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर नए हो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सुन रहे हो आप, यहाँ से परिंदों की आवाज़ तो सुन ही रहे होगे आप, जो कि बहुत बढ़िया लग रही है इस वक्त। मैं क्या ही बताऊँ, सुबह सुबह खासकर इन परिंदों की आवाज़ यहाँ से ज़्यादा निकल के आती है। हाँ जी, तो अभी मैं आया हूँ अपने वेल के पास। पता नहीं क्यों पानी जो ना वो कम आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो ना ये यहाँ बंद करूँगा मैं थोड़ा। हाँ जी, थोड़ा बंद, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आएगा उस साइड में जहाँ से हमें ज़रूरत है। और ख़ासकर ये कि अब्बू की गाड़ी धोनी है, तो मुझे उसके लिए जो ना वो पानी चाहिए ही चाहिए। तो रक्षा मैं ये ले रहा हूँ। अब्बू ने बोला कि गाड़ी को थोड़ा बहुत वॉश करो बाहर से। अभी ना पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हुआ क्या था ठीक है, तो अभी गाड़ी को बाहर से वॉश कर लेते हैं। ओके सो हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई ये क्लियर, और यहाँ से देखो बहुत ही बढ़िया। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको ये क्या है, ये होता रहता है क्योंकि 2014 मॉडल गाड़ी है ये। जब ये गाड़ी आई थी मार्केट में तभी हमने ली थी 2014 में, और बहुत ही हार्ड निकली गाड़ी, बहुत ही मजबूत है, ज़बरदस्त। अब इसका बाहर का थोड़ा बहुत काम है, इस साइड से वो भी हो जाएगा कुछ टाइम में। हाँ अभी ना अभी नहीं कर सकते, बिकॉज हम जो है ना वो मकान बना रहा है, और मकान को बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं आपसे बेहतर और आपके घर वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये लिया मैंने अपना सामान। अगर गेट बंद ना किया ना होता तो अम्मी डांटती है कि आप गेट बंद क्यों नहीं करते हो। बाकी ये रही हमारी रेड हाउस इधर से, और ये रहा मेरा सामान। हेलमेट लगाते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि हमें जो है जल्द से जल्द श्रीनगर पहुँचना है बागात। बड़ी ईद आने वाली है जिसको हम बोलते हैं बकरा ईद और ईद उल ज़ुहा भी। आप सबको बताया कि ऑलमोस्ट रहे हैं ईद को 10 दिन भी नहीं, ऑलमोस्ट 8 दिन रहे हैं। तो आज मुझे जाना था उसके लिए बकरा देखने। देखते हैं कि मतलब कुर्बानी का जानवर आज ही घर लाते हैं या कल। वैसे हमने सोचा था कि हम ये वाली ईद जो है ना वो अपने नए घर में मनाएंगे, बट पॉसिबल नहीं हुआ, अल्लाह ताला का कुछ और डिसाइड था। अरे यहाँ कितने स्पीड ब्रेकर्स हैं। सो गाइस, अभी मुझे पहुँचना है जल्द से जल्द बागात। बागात में मुझे आज मुरसल को, मीन्स मुरसल भैया को जो है ना वो पिक करना है। बस कॉन्वॉय नहीं होनी चाहिए यार। मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि कॉन्वॉय नहीं होनी चाहिए, लेकिन कॉन्वॉय है यार, क्या ही बता दें। मतलब हर टाइम हर दिन कॉन्वॉय टाइम बहुत इससे जो ना वो बिगड़ जाता है। शहर शहर घूमे, डगर डगर झूमे, मन मर्जी करते रहते वो, दिल की राह पे बढ़ती। अभी मैं बारामूला पहुंचा हूं विद मुरसल भाई। मुरसल भाई वहाँ होस्ट कर रहे हैं आगे दैट साइड, और यहाँ जो सब में जो ना वो फूल बांट रहे हैं लोग। थैंक यू सो मच सर। शाम को पुलिस की कॉल आई, इसने आपको एफआईआर काटा है। फोटो भी है भैया, तो कॉपीराइट दे दिया था उसने, तो तब से लेके अभी तक जहाँ पे भी पिक्चर्स लेता हूँ बाहर तो परमिशन लेता हूँ। खाना आ गया एक। सबकी यार बनती, मन मर्जी करते रहते हो, गिरते फिरते रास्ते पर चलते रहते हो जिंदा। जुनैद भाई, हाउ आर यू? मैं क्या ही बता दूँ मैं कैसे आया यहाँ। पहले हाथ धो लेते हैं तो बहुत ही मतलब
एक बजे में घर से निकला और 1:30 बजे यहाँ इवेंट था। हाँ सही इवेंट है, देख रहे हो सभी खाना खा रहा है तो मैं भी खाना खाता हूँ। सो हेयर्स खाना, तो पता नहीं मुरसल भाई बाकी कहाँ गए, तो ये देखो ऐसे भी यहाँ से जो वो खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। कर लेते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थैंक यू सो मच सर, यहाँ से मुरसल भाई। वाह यार है खाना बदोश, ये सब जो है वो DMS इवेंट्स ने किया है, ये यहाँ से देख सकते हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खा के ख़त्म किया। सही वो भी बात है ना, लास्ट नुकसान वह। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लोज करते हैं, आप जाते हैं हाथ धोने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वैसे जहाँ इवेंट था प्लेस बहुत ही बढ़िया थी जी। तो यहाँ से अब आ गई क्या ये मटका कुल्फी, मानी लो मान के चलो मटका कुल्फी है मटका कुल्फी। अच्छा तो खबर मतलब रिश्ते को मुश्किल खबर इतना कैसे मुश्किल। जुनैद भाई को तो आप जानते ही होंगे, इनको कौन नहीं जानता है? हैं? सभी टेस्ट कर लेते हैं। आजमान खा के फिर आइसक्रीम को टेस्ट करना मतलब, और वो भी इस गर्मी के मौसम में एलर्जी को ठंडक मिलती है इससे। तो थैंक यू सो मच जिसने भी ये किसने बनाई है, न्यू लाइट थैंक यू सो मच आप। तो वो वैसे ना आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही जबरदस्त मटका कुल्फी। अल्हम्दुलिल्लाह मुरसल भाई का इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ। मैं क्या ही बता दूं यार, इवेंट में कैसे पहुंचे हम, किस तरह से हम पहुंचे, बहुत ही मतलब हार्ड से, बहुत ही हार्ड से। बट अल्हम्दुलिल्लाह निकले हम अभी बारामूला से वापस टूवर्ड्स श्रीनगर। अच्छा पटन 2 किलोमीटर है, पटन में जाके रुकते हैं यार, लो फील कर रहा हूँ। अभी हम आ गए हैं इसके लिए क्या लेमन सोडा ब्रेक के लिए, मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ से जो है ना वो लेमन सोडा पीते हैं और फिर यहाँ से आगे की ओर देखते हैं। सो हाँ जी, यहाँ से आ गया लेमन सोडा जो कि मुझे चाहिए था, क्योंकि यार मैं बहुत ही लो फील कर रहा था। सो गाइस अभी मैं निकला हूँ यहाँ से, तो हाँ यहीं से है ना, तो अभी हम निकले यहाँ से और हमारी बाइक जो है वो वहाँ है, देख सकते हो यार। तो अभी निकल लेते हैं हम यहाँ से, और अभी हम पटन से आगे ही है, पटन से मतलब पटन से पीछे ही है, पटन से आगे हम अभी नहीं गए। और यहाँ से टाइम आ गया है अभी ऑलमोस्ट 5। मैंने सोचा था कि हम जाएंगे आज कुर्बानी का जानवर देखने, बट पॉसिबल होगा या नहीं होगा वो हम आगे देख लेते हैं। अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम, ठीक छु असल पर से छुटी तुम को तो जो आज खुश हस मान लो वंदस में दैस इनते यू ता खुश की गसा मज मज गसा। हां चलो बढ़िया है, दुआ दे करो सैंक। सो गाइस इसको बोलते हैं टाब, और मुरसल भाई को मैंने ड्रॉप किया घर में, अब मैं आया हूं अपने घर के साइड। अल्हम्दुलिल्लाह तो पहुंचे हम घर। हेलो माय रेड हॉर्स, बाइक का पावर, बाइक की एनर्जी है कि हम पहले कहाँ थे, मतलब पहले हम गए श्रीनगर, फिर वहाँ से बारामूला में से फिर वापस श्रीनगर, फिर वापस शोपियां से फिर अपने घर। खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी बाइक कितनी पावरफुल है। सो अभी टाइम आया है ऑलमोस्ट 12:30, घर में मेरे कज़न आया था, उसके साथ मैंने थोड़ी बहुत बातें की, वहाँ से आके मुझे
मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए नींद पड़ गई थी, क्योंकि आज का दिन जो ना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो, पहले श्रीनगर, श्रीनगर में मुरसल भाई को पिकअप करना, फिर बारामूला, मतलब श्रीनगर से हम निकले शायद 12:55 और 1:30 पे हम थे बारामूला में, और फिर वहाँ से वापस श्रीनगर, श्रीनगर से फिर शोपियान, शोपियान से फिर मैं वापस अपने घर, मतलब जहाँ हम अभी है पुलवामा में। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज की ट्रैवलिंग कितनी हेक्टिक रही। हेक्टिक क्यों रही, एक्चुअली क्या था कि मैं सुबह घर में बैठा था तो मुझे मुरसल भाई ने फ़ोन किया, मेरा प्लान था कहीं जाने का, मुझे मुरसल भाई ने फ़ोन किया कि भाई किसी ने मुझे धोखा दिया, मतलब किसी को आना था, हमें बारामूला में इवेंट है तो मेहरबानी करके अब वो नहीं आ रहा है तो आप मेहरबानी करके आओ, शायद उस बंदे को कोई काम पड़ गया था। तो मैंने बोला यार फ्रेंड है मेरा, चलो छोड़ देते हैं सब काम और अपने फ्रेंड के पास चले जाते हैं। तो फिर मैं लग गया, फिर मुरसल भाई को मैंने पिकअप किया बारामूला में, मतलब फिर वहाँ उसने इवेंट होस्ट किया और फिर बारामूला से वापस। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच अल्लाह, आपने इतनी एनर्जी दी मुझे। वहाँ इवेंट में जो ना वाजवान था, और वाजवान को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मतलब तत्योस वाजवान, गुश्ता फिल, क्या क्या, मतलब ज़बरदस्त, मतलब वाजवान उसको ज़बरदस्त मज़ा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि कुछ दावत मन छु गसन, तो यार क्या कर, लुख की निवन सही, तो बुझस खेवन वाजवान आख। इवेंट में भी वाजवान था, बहुत मज़ा आया, खासकर आइसक्रीम, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिलिश टेस्ट था, बहुत ही मज़ा आया यार। बाकी क्या वो कुरबान होना आज थी कहने वो पगह पगह किस व्लॉगस में वीजो तो ज़रूर कुरबान अनुआ कि न कुरबानी का जानवर हम लाएंगे या नहीं लाएंगे, वो आप ज़रूर देख लेना। बाकी मैं आई नींदर, मतलब मैं खस वन नींदर, इसलिए ये जो व्लॉग है ना आप इधर ही एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यार फुटी के तक मतलब पहुंचा दो, फेसबुक पर फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना। एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुश रहो, खुशहाल रहो, इंसानियत और कश्मीर ऑलवेज जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह।